नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज हमारे पास ये सीडी प्लेयर एक रिपेयर होने आया है, तो देखिए इसको मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये हमारा ऑस्कर का जो सीडी प्लेयर है और इसकी जो डिस्प्ले है दोस्तों एलसीडी के अंदर, ये देखिए ये हमारा एलसीडी के अंदर है। और तो इसके अंदर दोस्तों प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर जो सीडी की हमारी जो कैसेट होती है वो प्ले नहीं हो रही है, और वैसे ये प्रॉपर काम कर रहा है, हमारा जो लोडर है वो भी काम कर रहा है, जो लेंस है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है। तो देखिए, पहले मैं इसकी कुछ बेसिक आपको जानकारी दे देता हूँ कि किस तरीके से हमारा जो सीडी प्लेयर है वो काम करता है। तो देखिए, जिन भाइयों को ये सीडी प्लेयर के बारे में नहीं पता है, तो देखिए पहले मैं जो इसके मेन मेन कंपोनेंट होते हैं वो उसके बारे में बताता हूँ, और फिर ये किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, ये हमारा ट्रांसफार्मर होता है, इसके अंदर यहाँ पर हमारी जो है 11.5 वोल्ट भी है, और इसके अंदर हमारी 8 वोल्ट भी है, और हमारी 12 वोल्ट भी है। 12 वोल्ट हमारी रेड वायर के अंदर है इसके अंदर, और जो हमारी येलो के अंदर है वो हमारी 11 पॉइंट है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो हमारी वाइट वाली वायर है उसके अंदर हमारी 8 वोल्ट है, तो कुछ इस तरीके से है। और देखिए, यहाँ पर एक 7805 आईसी है, 7808 आईसी है, तो यहाँ पर 78.5 और 78.8 का यूज करा जाता है, क्योंकि कार्ड की जो वोल्टेज है, यहाँ पर देखिए जो वोल्टेज गई हुई है, ये हमारी 78.5 और 78.8 यहाँ पर वोल्टेज जाती है, तब हमारा ये कार्ड ऑन होता है। ये हमारा कार्ड है, इसको हम बोलते हैं आरएफ, ये हमारा आरएफ सर्किट है, ये हमारा ऑडियो बोर्ड है। ऑडियो बोर्ड यहाँ पर जो है 20-30 का यूज करा गया है, जो डबल आईसी में 20-30 बोर्ड होता है वो यूज करा गया है। ये जो सॉकेट है हमारा, ये वीडियो गेम का है, बहुत से बच्चे जो हैं इसके अंदर वीडियो गेम खेलते हैं, तो ये सॉकेट उनके लिए लगाया गया है। यहाँ पर आप जो है एक पैड लगा के, यहाँ पर जो आप वीडियो गेम का पैड लगा के वो पैड से वीडियो गेम खेल सकते हैं, तो इसके वीडियो गेम की जो कैसेट है वो अलग आती है। तो कुछ इस तरीके से इसकी बेसिक जानकारी है। अब देखिए, मैं इसको आपको जो है, देखिए मैंने इसे चालू करा, और यहाँ पर देखिए जो हमारा जो लोडर है वो ओपन हो रहा है, ये देखिए। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि जो हमारी कैसेट है वो प्ले नहीं हो रही है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इस वाले जो कवर है हम इसको ओपन कर लेंगे। तो ये वाला जो कवर है मैं ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए, ये कवर मैंने ओपन करा, और स्क्रू को हम यहीं रख देते हैं और इसको हटा लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये इस वाले जो हमारा जो यहाँ पर ये एक रोल लगा हुआ है, इसको हम पीछे की साइड करेंगे, और पीछे की साइड हम ये देखेंगे कि जो हमारी लेंस है वो आगे की तरफ चालू करने पर आगे की तरफ आती है या नहीं आती है, तो उससे हमें पता लगेगा कि लेंस के अंदर पावर आ रही है। तो देखिए, लेंस हमारी आगे तक आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो लेंस है दोस्तों वो जो अप डाउन करती है वो नहीं हो रहा। मैं देखिए आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर मैं देखिए जूम कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए जो लेंस है हमारी, देखिए इसके अंदर जब मैं पावर दे रहा हूँ तो लेंस देखिए हमारी अप डाउन नहीं हो रही। तो इस तरीके से ये लेंस जो है अभी हमारी काम नहीं कर रही है। तो हम क्या करेंगे इसको दोस्तों, मैं ज़रा जूम आउट कर देता हूँ। तो देखिए, अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर इसके अंदर प्रॉब्लम किस चीज़ की आती है, ये जो हमारा रिवन वायर लगा होता है, बहुत से भाई इसे पेपर वायर बोलते हैं, बहुत से भाई इसे रिवन वायर भी बोलते हैं, बहुत से भाई इसे पट्टा वायर भी बोलते हैं। तो आप दोस्तों इसको क्या बोलते हैं मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पेपर को यहाँ से निकाल लेंगे, और इस पेपर को जो है हम लेंस पे से भी निकाल लेंगे। तो मैं ज़रा इसको लोडर को बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये देखिए, मैंने लोडर को इसको बाहर निकाल लिया, तो ये हमारा बाहर आ गया। और रिवन वायर को जो है हम एक बार जो है इसको बाहर निकाल के इसको साफ़ करेंगे पहले। तो पहले जो है दोस्तों, हम इसको यहाँ से भी साफ़ करके देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए थोड़ा ये ख़राब हो रहा है दोस्तों, तो इसको साफ़ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम थोड़ा इस तरीके से हाथ से ही साफ़ करके देख लेंगे, अगर हो जाता है तो देखिए, तो कुछ इस तरीके से हम इसे साफ़ कर लेते हैं और एक बार इसको चला के देख लेते हैं। दोस्तों, इसके अंदर अगर लेंस की कभी भी प्रॉब्लम आती है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है इसके अंदर रिवन वायर के अंदर, जो हमारा पेपर वायर होता है, तो उसको अगर आप निकाल के साफ़ कर लेते हैं एक बार, तो वो जहाँ तक है वो सही हो जाएगा। तो ये देखिए, तो आपने देखा दोस्तों, जैसे ही हमने पेपर वायर को निकाल के एक बार साफ़ करा, तो देखिए मैं जूम कर देता हूँ लेंस के ऊपर, तो देखिए अब ये लेंस आगे भी आ रही है और अप डाउन भी हो रही है। तो ये देखिए, लेंस चालू हुई और ये देखिए यहाँ पर अप डाउन भी इसके अंदर हो रहा है, और इसके अंदर थोड़ी सी हल्की सी लेजर जलती है रेड कलर की, उससे पता चल जाता है कि हमारी प्रॉपर जो है लेंस काम कर रही है। तो एक बार हम और करके देखते हैं, तो ये देखिए लेंस हमारी आगे आई और देखिए अप डाउन भी हो रही है, तो यानी कि जो हमारा पेपर वायर था उसके अंदर कार्बन आ गया था,
उसके वजह से ये सही काम नहीं कर रही थी। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको अब हम इसका इसको या इसके अंदर एक सीडी को चला के देखते हैं कि हमारी जो सीडी प्लेयर है वो अब सही हुई या नहीं हुई। तो ये हम यहाँ पर कैसेट लगा देते हैं और इस वाली कवर को हम यहाँ रख देते हैं। तो हम इसको बंद करके दोबारा चालू करते हैं तो हमारी कैसेट प्रॉपर घूम गई है। और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर अभी देखिए हमारा क्लोज लिखा हुआ आ रहा है। तो देखिए इसके अंदर सीडी जो है, ये वाली जो सीडी है इसके अंदर कोई भी सॉन्ग नहीं है, तो इसलिए इस तरीके से प्ले नहीं हुई। क्योंकि दोस्तों ये जो हमारी सीडी है ये हमारी विंडो की सीडी है, जो कंप्यूटर में विंडो की सीडी है वो है, ये मैंने खाली टेस्टिंग के लिए लगाई है। तो देखिए हमारी सीडी प्ले हो चुकी है लेकिन इसके अंदर प्रॉपर ये प्ले इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि ये कोई म्यूजिक की या वीडियो की सीडी नहीं है। तो देखा आपने कितने ही आसान तरीके से जो है हमने अपना सीडी प्लेयर को सही करा। क्योंकि दोस्तों मैंने आज तक जितने भी सीडी प्लेयर के अंदर प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा रिवन वायर की आती है अगर लेंस के अंदर कोई दिक्कत है, और फिर भी अगर वो दिक्कत नहीं होती है और यहाँ पर अगर थोड़ा मट्टी या धूल आ जाता है, जो डस्ट होता है वो आ जाता है, तो आप किसी हल्के हल्के कपड़े से इसको साफ़ कर सकते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को जरूर दबाना क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों दो कट होते हैं हमारे, एक इस सीडी का कट होता है, एक इस सीडी का कट होता है। तो हमारी देखिए वो कैसेट किस तरीके से होती हैं, तो देखिए एक सीडी हमारी ये होती है, एक सीडी हमारी ये होती है। जो छोटा कट होता है वो हमारी इस सीडी का होता है और जो बड़ा वाला कट होता है वो इस सीडी का होता है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसे शेयर करना।